हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल देसी क्रिएटिव कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इस ब्लाउज डिजाइन को शेयर करने जा रही हूँ, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सी ब्लाउज एक लाइनिंग का ब्लाउज है और इसमें हमने अपनी लाइनिंग को कट कर लिया है और अब मेन फेब्रिक उसमें अटैच कर लिया है। सेंटर में हमने एक मार्क कर लिया है जहाँ से अपने डिजाइन को क्रिएट करेंगे, तो इसको हम साइड में रखते हैं और आइए बुकरम पे अपने डिजाइन को बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने बुकरम जो लिया उसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 11.5 इंच लिया, क्योंकि हमें 10.5 इंच रेडी ब्लाउज की डिजाइन चाहिए और चौड़ाई हमने यहाँ पे 4.5 इंच लिया है। सबसे पहले हम ऊपर साइड में 1.5 इंच का मार्क करेंगे और नीचे भी 1.5 इंच का मार्क करेंगे और इस तरह से मार्क करते हुए 10.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ाई का बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा बॉक्स बनकर रेडी हो गया। अब सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे ऊपर जो 3 इंच पे लगाएंगे और दूसरा हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच वाला निशान हमारा वो निशान रहेगा जिसपे हम अपनी डोरी को अटैच करेंगे और जो हमारा नीचे में 7.5 इंच लगाया है निशान उस पर भी हम एक 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, जिससे हमें ये मालूम रहेगा कि ये जो हम डिजाइन बनाएंगे वो इस निशान के अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अंदर आने से फिर गला बहुत छोटा सा बनेगा। इस मार्क के बार बार हमें डिजाइन बनानी है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको अपनी डिजाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए, हमारी डिजाइन बनके रेडी हो गई है। अब 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए बाहर भी हम एक साइड लाइन बना लेंगे और इसी को हमें कट करना है। तो ये देखिए, बाहर साइड से हमने कटिंग कर दी है। अब अंदर साइड हम एक पिन लगा लेंगे और अपने बुकरम को सिक्योर करते हुए अंदर साइड की भी हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बाहर साइड और अंदर साइड दोनों साइड से कटिंग कर ली है और हमारा नेक जो है वो कट के रेडी हो गया है। अब इस नेक को हम अपने लाइनिंग वाले कपड़े में अटैच करेंगे। तो ये देखिए, हमने लाइनिंग भी अटैच कर ली है और अपने जो हमने बुकरम कट किया था उसको अपने मेन फैब्रिक पे अटैच कर लिया है और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए जो अंदर का कपड़ा इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद में हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे जिससे कि कपड़ा फोल्ड करने में आसानी रहे और हमारी डिजाइन जो है बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो। और किस तरह से हम कपड़े पे इसको अटैच करते हैं, सारी वीडियो मैंने पहले की वीडियो में बना रखा है, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जहाँ से आपको देखने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए, इस तरह से मेरा नेक बनके रेडी हो गया, फोल्ड कर लिया हमने। और इसके बाद में हमें पीछे वाली जो डॉट्स होती है वो डाल देनी है। तो ये देखिए, मैंने पीछे की दोनों डॉट्स को डाल दिया है और इसके बाद में नीचे फोल्डिंग के लिए हमने यहाँ पे जो हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है उसकी हमने पट्टी लगाई है। तो इस तरह से पीछे की डॉट्स डाल के और नीचे वाली पट्टी लगा के हमें पीछे के पार्ट को एकदम रेडी कर लेना है और ये करने के बाद में ही अपने डिजाइन को क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हमने अपने बैक पार्ट को एकदम कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन के लिए यहाँ पे हमने इसी कपड़े की पट्टी को ली है। पट्टी की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो वो हमने यहाँ पे 2.5 इंच ली है और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पट्टियों को ली, उनको आपस में अटैच कर दिया है और अब हमने सेंटर से फोल्ड करते हुए इस तरह से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में लंबी सिलाई करेंगे। ये देखिए, हमने सिलाई कर दी है। अब इस पट्टी को हमें पलटना है, तो जैसे अपनी डोरी बनाते हैं वैसे हमें इसे पलट लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे सिलाई ली है और उसकी बैक पार्ट को इसमें रखते हुए इस तरह से अंदर लाके पूरी पट्टी को हमें पलट लिया है। तो इसके बाद में हमें इसमें प्रेस कर लेना है जिससे कि हमारी पट्टी बहुत ही अच्छे से बन जाए। तो ये देखिए, इसके बाद में हमने पूरी पट्टी पे अच्छे से प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद पट्टी कुछ इस तरह से आपको रेडी मिल जाएगी। अब इसी पट्टी में हमें छोटी छोटी सी प्लेट्स डालनी है, तो जिस साइड से हमने मशीन चलाई थी जिधर हमने फोल्ड किया उसी साइड से हमें प्लेट डाली है। जो हमारा अटैच पार्ट रहेगा वो बाहर साइड रहेगा, तो जिधर हमने सिलाई की उधर साइड से उसमें छोटे छोटे से प्लेट डालेंगे। और प्लेट डालने में आपको ध्यान रखना है कि सारी की सारी प्लेट हमारी इक्वल होनी चाहिए, कोई छोटी कोई बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर जब हम डिजाइन बनाएंगे तो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरे में छोटी छोटी सी प्लेट डाली है, पतली प्लेट डालनी है और इस तरह से हमने एक लेस जैसे क्रिएट कर ली है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में मैंने इसमें प्लेट डाली है। और इसके बाद में हम अपने ब्लाउज में डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने देखिए, ब्लाउज में जहाँ से हमें डिजाइन बनाई थी वहाँ से थोड़ा सा गोलाई देते हुए ऊपर सेट को मार्क करेंगे और अपने ब्लाउज को 1/2 फोल्ड करके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा टैप करेंगे और देखिए वो हमारी डिजाइन जो नीचे ट्रेस हो जाएगी। और इसको भी हमें डार्क कर लेना है और इसी में हमें अपनी लेस को लगाना है जो हमने बनाई है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट ले लेंगे कि ये हमारी जो हमने लेस बनाई है पूरी परफेक्ट आ रही है कि नहीं। तो ये देखिए, पूरी आ गई है। अब हम इसे अपनी रेडीमेड लेस से पहले डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर साइड से डिजाइन बनानी है, तो उसके साइड साइड से हमें इस तरह से लेस लगा देनी है और लेस को हमें खींचना नहीं, बहुत ही हल्के हाथ से इसमें मशीन चलानी है।
तो ये देखिए यहाँ तक हमने ला के जहाँ से मार्क हमने किया है चॉक से वहाँ पे ला के थोड़ा सा इसको अंदर से फोल्ड करेंगे और यहाँ से पक्की सिलाई कर देंगे। और अब इसके बाद में हमें एक लेस और लगानी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगी और डिस्टेंस हमारी इक्वल रहे इसके लिए पूरे में हम पहले हाफ हाफ इंच के इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो देखिए हाफ हाफ इंच पे हमने यहाँ पॉइंट रख लिया चॉक की हेल्प से और इसी पर हम अपनी दूसरी लेस को रखेंगे जिससे कि हमारी डिस्टेंस जो रहेगी वो इक्वल बन के आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें पूरे में लेस लगा ली है और इसको फिर नीचे साइड में फोल्ड कर देंगे अंदर को। और इस तरह से जैसे हमने एक साइड में किया वैसे ही हमें दूसरे साइड में भी इस तरह से डबल लेस लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड में लगा ली है और अब इसके बाद में जो हमने ये लेस बनाई थी उसको हम अटैच करेंगे। तो जहां से हमने मार्क किया था जस्ट उसी के ऊपर ऊपर हमें इस तरह से रखते हुए पूरे में सिलाई चला देनी है और इस तरह से देखिए हमें चलाना। और कहीं कहीं मशीन इसमें रुक जाएगी क्योंकि काफी मोटा हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा पीछे साइड से अपने कपड़े को खींचेंगे तो आसानी से इसमें मशीन चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में हल्के हाथों से इसको भी लगाना है, इसको भी ज्यादा खींचना नहीं है नहीं तो फिर ये डिजाइन उतनी अच्छी नहीं बनेगी, खिंचाव आ जाएगा इसमें। तो ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से रखते हुए पूरे में हमें मशीन चला देनी है और इसके बाद में जो हमारी एक्स्ट्रा लेस है उसे हमें कट कर देना है। तो ये देखिए हमारी लेस लग गई है। अब इसके ऊपर जहाँ पे हमने मशीन चलाई थी वहां पे भी हमें जो हमने ऊपर लेस लगाई है वही लेस हमें इसके ऊपर भी लगानी है। और ये देखिए इस तरह से जिससे कि हमारी सिलाई भी छुट जाएगी और देखने में लेस लग जाएगी तो जो हमारी डिजाइन है वो और ज्यादा सुंदर बनकर रेडी जाएगी। ये देखिए इस पर भी हमने इस तरह से मशीन चला दी है। मशीन चलाने में ध्यान यहाँ भी रखना है क्योंकि अब कपड़ा और भी ज्यादा मोटा हो चुका है तो लेस लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर थोड़ा थोड़ा सा धीमे धीमे मशीन चलाएंगे तो आसानी से लेस लग जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है और अब हम नीचे साइड में भी एक लेस लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लेस लगा भी सकते हैं, नहीं अगर चाहते हैं लगाना तो आप नहीं भी लगाइए। लेस लगाने से इसका लुक थोड़ा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे लेस लगा दी। आप सिंगल लेस भी लगा सकते हैं, जैसे आपने ऊपर लेस लगाई डबल वैसे भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे डिजाइन बनाना चाहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है और दिखने में काफी सुंदर है और बनाना भी काफी आसान है। और अब हम इसके लिए लटकन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए 5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया फोल्ड करके 2.5 इंच है और इसके बाद में ऊपर साइड में जैसे हमने ब्लाउज में डिजाइन बनाई है उसी की मैचिंग की हम इसमें लटकन बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ भी हमने इस तरह से कपड़ा रख दिया जिधर हमने सिलन की उस साइड से प्लेट डालते हुए इसके ऊपर हमें छोटी छोटी सी प्लेट डाल लेनी है। तो ये देखिए पूरे में हमने छोटी छोटी प्लेट डाली और जिधर का कपड़ा हमारा जुड़ा हुआ है जॉइंट वाला कपड़ा जिधर इसमें फोल्ड के उधर ही हमें प्लेट डालनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने प्लेट डाली और ऊपर साइड जहाँ पे मशीन चली वहाँ पे हम जो लेस हमने ब्लाउज में यूज किया वही लेस हम इसमें भी यूज करेंगे और वो लेस लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम लेस लगा लेंगे और उसके बाद में इसे अपनी डोरी पे अटैच कर देंगे। और डोरी यहाँ पे मैंने रेडीमेड ली है, कपड़े की डोरी भी हम बना सकते हैं पर मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने रेडीमेड डोरी लगाई है। और डोरी कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारे लटकन बनके रेडी हो गए हैं और देखने में काफी सुंदर है और मैंने ब्लाउज की डिजाइन की मैचिंग के अकॉर्डिंग ये लटकन तैयार किए हैं। तो आप भी अगर इस तरह की डिजाइन बना रहे हैं तो ऐसे लटकन बनाइए, ब्लाउज आपका देखने में काफी सुंदर लगेगा। तो ये देखिए एक लटकन मेरा बनके रेडी हो गया और इसी तरह से मैंने दूसरा लटकन बना लिया है और इसे हम अपने ब्लाउज पे अटैच करेंगे। तो डोरी को अटैच करने के लिए हम अपने ब्लाउज की ऊपर साइड से 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और वहां पे इस तरह से मार्क हमने कर लिया है और यहीं पे अपनी डोरी को हमें अटैच करना है। तो नीचे साइड से डोरी को रखते हुए यहां पे हम पक्की सिलाई करेंगे और लेस के ऊपर ही हमें मशीन चलानी है। तो जिस कलर की हमारी लेस है उसी कलर के धागे का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड से अपनी डोरी को अटैच कर लेंगे और 3-3 इंच की मार्किंग पर ही हमें डोरी को लगाना है क्योंकि 1/2 इंच भी हमें कंधे अटैच करने में कपड़ा हमारा चला जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो और आज की डिजाइन आपको कैसी लगी, आज की वीडियो को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना थोड़ा सा सपोर्ट मुझे दीजिए। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ में, एक नई क्रिएटिविटी के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।